हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। वंस अगेन यू ऑल आर वेलकम इनटू द टेलीकॉम डिजिटल क्लासरूम। प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है। ठीक है, पिछले कुछ दिनों से हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम है कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी संचार का कौशल, यानी बातचीत करने की स्किल्स कैसे हम अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। अभी हमारे यहाँ समझना है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है, यानी आपकी बात, आपकी बोली गई बात इफेक्टिव हो, यानी वो सामने वाले को प्रभावित कर सके, उसका इंटरेस्ट उसमें बने। सो दैट इज कॉल्ड प्रभावी संचार, यानी इफेक्टिव कम्युनिकेशन। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके बारे में, इसकी डेफिनेशन क्या बोलती है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन की डेफिनेशन क्या बोलती है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज डिफाइंड एज द एबिलिटी टू कन्वे इंफॉर्मेशन टू अनदर इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। बहुत आसान सी डेफिनेशन है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन को कैसे परिभाषित किया जा सकता है। इट इज डिफाइंड एज इट इज द एबिलिटी टू कन्वे इंफॉर्मेशन। कन्वे का मतलब जानकारी भेजना, प्रेषित करना, सेंड करना। ये ऐसी योग्यता है, अगर किसी को इफेक्टिव कम्युनिकेशन आती है तो वो उसकी एबिलिटी है कि अपनी बात को दूसरों को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली समझा सके। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके बारे में। देर आर इम्पॉर्टेंट 7 C's ऑफ एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी आपको 7 चीज़ें याद रखनी है अगर आपको अपने कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाना है, तो ये 7 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, और वो 7ों के 7ों पॉइंट्स सी से शुरू होते हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है 7 C's ऑफ एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन, है ना। मतलब सारे वर्ड्स जो है वो सी से शुरू होते हैं और 7 वर्ड्स हैं। देखो कितना आसान है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के 7 रूल्स 7 के 7 सी से शुरू होते हैं। दैट्स वाई वी कॉल इट एज 7 C's ऑफ एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। आइए देखते हैं वो 7 कौन सी टेक्निक्स है जो सी से शुरू होती है। सबसे पहले सी फॉर क्लियर, यानी स्पष्ट। इनके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी देख लेते हैं वो 7 इफेक्टिव कम्युनिकेशन की सी है कौन सी। सबसे पहले है सी फॉर क्लियर, क्लियर का मतलब होता है स्पष्ट। द सेकेंड इज कॉन्साइज, सी से अगेन इट स्टार्ट्स फ्रॉम सी, कॉन्साइज का मतलब संक्षिप्त। थर्ड वन इज कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट मतलब ठोस। नेक्स्ट इज करेक्ट, करेक्ट मतलब शुद्ध। नेक्स्ट इज कोहेरेंट, कोहेरेंट, कोहेरेंट मीन्स सुसंगत, जो एक जैसा लगे। नेक्स्ट इज कंप्लीट, कंप्लीट यानी पूर्ण। एंड द लास्ट वन इज कॉर्टियस, कॉर्टियस मीन्स विनम्र। ये 7 C's हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के, ये आपको याद रखने हैं, और अगर आप इनको अपनी बोलते वक्त अपनी कम्युनिकेशन में इन सीज को अप्लाई करते हो तो आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव होने से कोई नहीं रोक सकता। सामने वाला आपकी बात को बिल्कुल अच्छे से इफेक्टिवली और एफिशिएंटली समझ जाएगा और आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। तो व्हाट आर दी 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन? द फर्स्ट वन इज क्लियर, द सेकेंड इज कॉन्साइज, थर्ड इज कॉन्क्रीट, देन करेक्ट, देन कोहेरेंट, देन कॉम्प्लीट एंड कॉर्डियस। ये 7 C's हैं। उम्मीद है आपको ये 7 C's का पता चला होगा कि इनको 7 C's क्यों बोलते हैं। सी के साथ एस लगाया, अगर सिर्फ एक सी होता तो 1 C बोलना था, है ना। अब 7 है तो एस लगाना पड़ेगा प्लूरल के लिए, दैट्स वाई वी रोट इट एज 7 C's ऑफ एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो आइए इन सब पॉइंट्स को धीरे धीरे पढ़ते हैं और समझते हैं कि कैसे हम इन चीज़ों को अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज क्लियर, क्लियर का मतलब होता है स्पष्ट, यानी यू शुड बी क्लियर अबाउट व्हाट यू वांट टू से एंड राइट। आप कम्युनिकेट कर रहे हैं तो जो भी आप लिखते हैं या बोलते हैं आपको स्पष्ट बोलना या लिखना चाहिए। जैसे मैं अभी आपको कुछ बोल रहा हूँ तो मैंने आपको स्पष्ट पॉइंट टू पॉइंट बात बता रहा हूँ, अगर आपको ये पूरी पूरी समझ में आ जा रही है। अगर मैं इस बात को कुछ और घुमा फिरा के कुछ कॉम्प्लिकेटेड यानी मुश्किल तरीके से समझाता तो मुझे उम्मीद नहीं है कि आपको समझ में आता। हो सकता है आप में से कुछ को अभी भी मेरा तरीका मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन मैं जो है बिल्कुल लिमिटेड से वर्ड्स का यूज़ कर रहा हूँ, बिल्कुल लिमिटेड सी फोटोज़ का मैंने यूज़ किया है, बिल्कुल लिमिटेड से वर्ड यहाँ पे लिखे हुए हैं। इसका मतलब कि मैं आपको ईजी और सिंपल वे बता रहा हूँ इस चीज़ को समझाने के लिए। तो जो भी आप बात करें लिख के या बोल के, यू शुड बी क्लियर अबाउट व्हाट यू वांट टू से। सो ये पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, क्लियर होना चाहिए बिल्कुल।
आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं. द नेक्स्ट इज कॉन्साइज. कॉन्साइज यानी संक्षिप्त. यूज सिंपल वर्ड्स एंड से ओनली वॉट इज नीडेड. आपको हमेशा देखो, अब आपने कुछ बोलना है या लिखना है, किसी को मैसेज देना है, कैसे भी कम्युनिकेट करना है, तो अगर आप बड़े मुश्किल से वर्ड्स को लिखोगे तो वो सामने वालों को समझने के लिए जो है डिफिकल्टी हो सकती है. तो इसलिए आप जब भी किसी को कुछ बोलते हैं या लिखकर जो है वो अपना मैसेज देते हैं, तो आपको हमेशा सिंपल वर्ड्स यूज करने चाहिए ताकि आपका मैसेज ईजी एंड सिंपल जो है सामने वाले को समझ में आ जाए. और सिर्फ वही बोलना चाहिए जो ज़रूरी है, वही लिखना चाहिए, दैट इज नीडेड. जो जिस चीज़ की आवश्यकता है वही चीज़ लिखनी चाहिए. तो सेकेंड पॉइंट, टू बी कंसाइज यानी संक्षिप्त का मतलब क्या हमें बताता है कि आपको सिंपल वर्ड्स का यूज़ करना चाहिए. यू शुड यूज़ सिंपल वर्ड्स एंड से ओनली वॉट इज नीडेड. और आपको वही बोलना चाहिए जिसकी आवश्यकता है या वही लिखना चाहिए जिसकी आवश्यकता है. ठीक है, उम्मीद है दूसरा पॉइंट आपको समझ में आया होगा. आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, एंड दैट इज कॉन्क्रीट. कॉन्क्रीट का मतलब होता है ठोस. ठोस यानी मजबूत. यानी आपको एग्जैक्ट वर्ड्स यूज़ करने चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्ट. जिस परिस्थिति में जो वर्ड का यूज़ हो सकता है वही वर्ड यूज़ करना चाहिए. ठीक है, फ्रेजेस. अपने वर्ड्स में हम फ्रेजेस का यूज़ भी करते हैं, लाइक टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा. तो यानी इस बात में मजबूती है, ये बात ठोस है, यानी जो जैसा करता है उसको वैसा ही रिजल्ट मिलता है. ठीक है, ऐसे बहुत सारे फ्रेजेज आपको पता होंगे जो अप्लाई करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में या हिंदी में, मुहावरे यूज़ करते हैं जैसे. तो आपको एग्जैक्ट वर्ड्स यूज़ करने चाहिए, फ्रेजेज यूज़ करने चाहिए, और आपको फैक्ट्स और फिगर्स के साथ हमेशा बात करनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि गप्पे ही मार दिए. ठीक है, आपके पास फैक्ट यानी तथ्य होने चाहिए, आपके पास फिगर्स यानी आंकड़े होने चाहिए. ठीक है, आप कोई भी अगर बात बोल रहे हो तो आपके पास उसके तथ्य होने चाहिए. ठीक है, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि जो है अगर मैं आपको सिंपली अगर बोल दूँ कि आरओ का पानी पीने से, आरओ का पता है आपको आजकल ऐड आती है, जैसे कैंट आरओ की ऐड आती है टीवी में, आती है ना, पानी को फिल्टर करता है, पानी घरों में पानी पीने के लिए, पानी को फिल्टर करने के लिए घरों में आरओ लगाया जाता है. टीवी पे ऐड भी आती है कैंट आरओ, हेमा मालिनी उसकी ब्रांड एम्बेसडर है, वो बेचती है उसको. या फिर कोई और आरओ का आपको पता होगा, आरओ होता है जो वाटर को फिल्टर करता है पानी पीने के लिए, लोग घरों में यूज़ करते हैं. अगर मैं आपको इसके बारे में एक बात बताऊं, अगर मैं बोलूं कि आरओ का पानी पीना सेहत के लिए ठीक नहीं होता, यानी उससे आपकी बॉडी को प्रॉब्लम्स हो सकती है आने वाले टाइम में, क्योंकि उसमें मिनरल्स जो है वो ख़त्म हो जाते हैं. अब अगर मैं ये बात आपको बोल दूं, आपने सपोज लिख भी ली, लेकिन अगर ये बात कहीं झूठ निकली तो मतलब मेरी कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव नहीं होगी, नेक्स्ट टाइम के लिए आप मेरी बात पे विश्वास नहीं करोगे. लेकिन अगर हाँ, मैं आपको इसका एक फैक्ट और फिगर बता दूं, अगर मैं बता दूं कि एक रिसर्च इंस्टीट्यूट ने रिसर्च किया है और उन्होंने पता लगाया कि आरओ में जो पानी फिल्टर होता है उसमें से सारे मिनरल्स गुम हो जाते हैं और उसके बाद वो विदाउट मिनरल्स वाटर रह जाता है, और जिसकी वजह से लैक ऑफ मिनरल्स की वजह से हमारी बॉडी में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है. अगर मैं आपको ऐसे बोलूं, मेरे पास फैक्ट है और फिगर है, तो फिर आपको मेरी बात पे विश्वास होगा और मेरी बात कॉन्क्रीट होगी, यानी मेरा तीसरा पॉइंट जो है वो सक्सेस हो जाएगा. तो उससे क्या होगा, मेरी कम्युनिकेशन ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगी. नेक्स्ट टाइम मैं कोई भी बात करूँगा तो आपको पता होगा कि ये फैक्ट्स और फिगर्स के साथ बात करते हैं, इसलिए वी हैव टू ट्रस्ट ऑन हिम. ठीक है, तो आपकी बात क्या होनी चाहिए, कॉन्क्रीट होनी चाहिए, यानी ठोस होनी चाहिए. आपको एग्जैक्ट वर्ड्स यूज़ करने हैं, फ्रेजेस यूज़ करने हैं, फैक्ट्स और फिगर्स के साथ अपनी बात रखनी है, तभी आपकी बात की मजबूती बनेगी. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज करेक्ट यानी शुद्ध. इसका मतलब क्या है, आपको जो बोलते वक्त स्पेलिंग्स या लिखते वक्त स्पेलिंग्स, ठीक है, बोलते वक्त प्रोनंसिएशन और लिखते वक्त स्पेलिंग्स का खास तौर पर ध्यान रखना है. आप जो बोल रहे हैं वो शुद्ध होना चाहिए. ठीक है, आपकी लैंग्वेज बिल्कुल साफ होनी चाहिए. आप ग्रामर के जो रूल्स अप्लाई कर रहे हो अपने बोलते वक्त चीज़ों में, अपनी लैंग्वेज में, वो बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए. यानी अगर आपकी स्पेलिंग्स ठीक नहीं होती हैं, अगर आपकी लैंग्वेज क्लियर नहीं होती है, आपके ग्रामर के रूल अगर आपने ठीक नहीं लगाए हैं, तो क्या होगा, सामने वाले को मैसेज जो है वो समझ ही नहीं आएगा. ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है अगर स्पेलिंग ठीक नहीं है तो अर्थ कुछ और ही बन जाता है. ठीक है,
उम्मीद है आपको ये फोर्थ पॉइंट जो है वो इजीली समझ में आया होगा कि व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट टू करेक्ट योर सेंटेंस वाइल कम्युनिकेटिंग। ठीक है, जब आप बातचीत कर रहे हैं तो कैसे अपने सेंटेंस को, अपने स्पीच को जो है वो करेक्ट रखना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज कोहेरेंट, यानी योर मैसेज शुड बी कोहेरेंट। बात करते वक्त कोहेरेंट होना चाहिए, कोहेरेंस होनी चाहिए आपकी बातचीत में। कोहेरेंस का मतलब होता है सुसंगत। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको कोहेरेंस का देता हूँ। योर वर्ड्स शुड मेक सेंस एंड शुड बी रिलेटेड टू द मेन टॉपिक, यानी जो भी आप बात कर रहे हो वो जो आप बात कर रहे हैं उसी से रिलेटेड होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि जैसे बात कर रहे हैं हम अभी कम्युनिकेशन की और मैं लग जाऊँ आपको कोई फिल्म की कहानी सुनाने। ठीक है, अगर मैं फिल्म की कहानी भी सुनाऊं और अगर वो कम्युनिकेशन से रिलेटेड नहीं हो तो वो मेरी कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं रह जाएगी, तभी सामने वाले जो है वो बोर होना शुरू हो जाते हैं। सो आपको अपनी इफेक्टिव कम्युनिकेशन बनानी है तो आपको वो बातें बोलनी है जो आपके मेन टॉपिक से रिलेट करती हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल देता हूँ। कोहेरेंट यानी सुसंगत का मतलब क्या होता है, एक छोटा सा एग्जाम्पल है। जैसे हमारे घरों में जो लाइट बल्ब लगे हैं, देखो लाइट बल्ब होता है छोटा सा, लेकिन जब उसको ऑन करते हैं तो पूरे कमरे में लाइट फैल जाती है, यानी एक छोटी सी चीज़ से लाइट निकलती है और पूरे में फैल जाती है, तो वो होती है इनकोहेरेंट, वो सुसंगत नहीं है। अब सुसंगत क्या है, आपने लेज़र देखा होगा, लेज़र लेज़र बीम जो होती है, लेज़र बीम में जितना सा होल होता है वो उतनी सी पतली सी लेज़र बीम निकलती है। लेज़र बीम का बटन दबाने से पूरे कमरे में रोशनी नहीं हो जाती। ठीक है, लेजर बीम के आगे अगर कुछ और लगाया है तो वो आकृतियां बन जाती है, वो तो मेलों में बेचते हैं, वो लेजर बीम अलग होती है, लेकिन लेजर बीम जितनी उससे पॉइंट से निकलेगी उतनी लेजर बीम आगे जाएगी, यानी जितनी शुरू में थी उतनी लास्ट में, यानी उसमें क्या है सुसंगतता, यानी कोहेरेंस, उसको बोलते हैं कोहेरेंस, यानी जैसा शुरू हुआ था वैसा ही खत्म हुआ। तो कम्युनिकेशन में भी जो बात शुरू हुई है वही बात खत्म होगी तो वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन बनेगी, अन्यथा नहीं बनेगी। और लाइट बल्ब में क्या था, इतना सा बल्ब था और लाइट होगी स्प्रेड। ठीक है, तो उससे क्या हो गया, वो इनकोहेरेंस है, यानी बात थी छोटी सी शुरू लेकिन बात पहुंच गई कहीं और ही, तो वो क्या हो गया, इफेक्टिव कम्युनिकेशन आपका नहीं रहा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको कोहेरेंस का मतलब समझ में आया होगा। कोहेरेंस का मतलब होता है सुसंगत, यानी जैसा आपका शुरू हुआ है मेन टॉपिक उसी से सब कुछ रिलेटेड होना चाहिए। आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज कंप्लीट, यानी योर मैसेज शुड बी कंप्लीट। जब आप कम्युनिकेट कर रहे हैं तो जो आपका मैसेज है वो कंप्लीट यानी पूर्ण होना चाहिए, आधा अधूरा मैसेज जो है वो खतरनाक हो सकता है। योर मैसेज शुड हैव ऑल द नीडेड इंफॉर्मेशन। जब भी आप कोई मेल लिख रहे हो, मैसेज लिख रहे हो या बात करके कोई बात बता रहे हो तो आपका मैसेज पूरा होना चाहिए। इनकम्प्लीट मैसेज इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ठीक है, इनकम्प्लीट मैसेज को समझा नहीं जा सकता। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ कि अभी जहाँ आप बैठे हैं वहाँ बॉम्ब, अगर मैं इतना ही बोलूँगा बॉम्ब, है ना, मतलब कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि अब तक आपके आस पास कहीं बॉम्ब तो नहीं रखा है, कुछ लोग भाग भी जाते हैं जान बचाने के लिए। ठीक है, मतलब अगर यादा मैसेज था, इनकम्प्लीट मैसेज था, मैसेज पूरा नहीं था, क्या पता वो व्यक्ति कुछ और बोलने की कोशिश कर रहा हो, उससे पहले ही आप भाग गए। ठीक है, अब ये मैसेज हो सकता था कि जहां आप बैठे हैं वहां बॉम बॉम, क्योंकि बॉम बॉम गाना बज रहा है। ठीक है, तो मे भी ये मैसेज हो सकता था, बट आपने जो है वो आधे ही सुना, आपको बॉम्ब सुनाई दिया और आप डर के मारे भाग गए। तो इनकम्प्लीट मैसेज जो है वो हमेशा ही डेंजरस होता है समझने के लिए। आपको मैसेज पूरा देना चाहिए और पूरा समझना चाहिए। ठीक है, सपोज मैं आपको कोई असाइनमेंट देता हूँ, मैं बोल दूँ कि ये असाइनमेंट आपने करनी है। अब बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज हो जाएंगे कि कब करनी है, कितने बजे करनी है, सबमिट कब करनी है, इसमें करना क्या क्या है। तो इनकम्प्लीट मैसेज जो भी होता है उससे हमेशा ही कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। अगर मैं आपको एक कम्प्लीट मैसेज दूँ, मैं बोलूँ कि यू हैव टू मेक एन असाइनमेंट means a scrapbook activity on effective communication and you have to submit that activity tomorrow 5 p.m.
ठीक है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मैसेज मेरा पूरा है, कंप्लीट है। मैंने बोला आपको एक एक्टिविटी करनी है, स्क्रैप बुक एक्टिविटी करनी है, टॉपिक का नाम है इफेक्टिव कम्युनिकेशन, और आपको ये कल शाम को 5 बजे तक सबमिट करनी है। तो बहुत सारे बच्चों को फिर पूछने की जरूरत ही नहीं है क्या करना है कब करना है। मतलब मेरा मैसेज पहली बार में इतना क्लियर हो गया कि अब आपको वो समझने की जरूरत ही नहीं है। तो यानी मेरी कम्युनिकेशन जो हुई वो हुई इफेक्टिव कम्युनिकेशन, और जो इनकम्प्लीट मैसेज होगा वो हमेशा ही कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, वो होगी इनइफेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज कॉर्टियस। कॉर्टियस का मतलब होता है विनम्र। कॉर्टियस का मतलब होता है कॉर्टियस यानी विनम्र, यानी व्हेन यू आर स्पीकिंग टू समवन यू शुड बी कॉर्टियस। कॉर्टियस का मतलब यू शुड बी काइंड। काइंड भी विनम्रता ही होता है, आपको हमेशा काइंड रहना चाहिए बोलते वक्त। यू शुड बी रिस्पेक्टफुल टू अदर्स, यू शुड बी फ्रेंडली टू अदर्स, यू शुड बी ऑनेस्ट टू अदर्स। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इफ आई शो सम रिस्पेक्ट टू यू डेफिनेटली यू विल बी इंटरेस्टेड टू लिसन मी। ठीक है, अगर मैं आपसे रिस्पेक्ट से बात करता हूँ तो आप मुझे सुनेंगे, अगर मैं बदतमीजी से बात करूँगा तो कौन सुनना पसंद करता है। ठीक है, तो वेन यू आर स्पीकिंग टू समवन आपको रिस्पेक्टफुल रहना है, यू शुड बी रिस्पेक्टफुल, यू शुड बी फ्रेंडली। आपको मित्रता जैसी, जैसे अपने दोस्तों से फ्रेंकली बात करते हैं वैसे बात करनी है आपको। ठीक है, तभी आपकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो पाएगी। एंड यू शुड बी ऑनेस्ट, ईमानदार रहना है बातचीत के प्रति, ऐसा नहीं किसी को फ्रॉड और फेकनेस आप रिप्रेजेंट करो। ठीक है, तो दिस वॉज द 7th सीज ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा।